अस्सलामु अलैकुम। आज हम सबक यारबाश में आगे मुताला करेंगे। इन हजरात ने इस दूसरी मोटर को ऐसा रगड़ा कि 2 ही बरस में ठीकरा हो गई। ये तीसरी मोटर ले आए हैं और रग्बी मोटर इनके बच्चों की सवारी में है, मगर अब भी किसी की मजाल नहीं कि रोश राइस का मुकाबला इस ठीकरे से करके उनको कायल कर सके, और कायल कर भी किस तरह सकता है जब इनको दरअसल मोटर से कोई गरज ही नहीं। गरज है तो सिर्फ यारों में बैठकर लुत्फ़े सुहबत पैदा करने से है। इनकी तीसरी मोटर के पीछे इनके दोस्त जाहिद और आबिद बुरी तरह पड़े हैं। ये अपनी मोटर को आसमान पर चढ़ाते हैं और वो उसकी और वो उसको तहतुल असरा में पहुंचाना चाहते हैं, जहां ये हजरत और उनके दोस्त मिले। ख्वाह वो कोई आम महफिल हो या गोशाए तन्हाई, इस नई मोटर का जिक्र निकलना लाजमी है। घंटों इस पर गुफ्तगू होती है और नतीजा नहीं निकलता कि आखिर ये सच कहे कहते हैं या वो समझते हैं कि अहसन दोन की लेता है। ये समझते हैं कि चलो इस तरह यारों का दिल बहल जाता है और दिन भर की कोफ्त दूर हो जाती है। और दिन भर की कोफ्त दूर हो जाती है। मैंने कई दफ़ा इन तीनों में ये गुफ्तगू होते सुनी है और मेरी ये राय कायम हुई कि इनके दोस्त समझते हैं कि अहसन बेवकूफ़ है और मियाँ अहसन समझते हैं कि इन यारों ने समझा ही नहीं कि मैं क्या हूँ और क्यों ऐसी बातें करता हूँ। बच्चों से जो इन हजरात की गुफ्तगू होती है उसका कुछ और ही रंग होता है। बस ये मालूम होता है कि कोई दीवाना उन गरीबों को दिक कर रहा है। वो कुछ बहसी होती है कि कोई कोई कठमुला भी क्या करेगा। लीजिए उसका भी नक्शा देख लीजिए। एक रोज़ मैं जुल्फ़िकार से मिलने गया। उसका एक बच्चा सादिक कोई 4-5 बरस का है, शायद पहली जमात में है। मैं जुल्फ़िकार के घर पर पहुंचा, क्या देखता हूँ कि मिस्टर अहसन पहले से वहाँ डटे हुए हैं और सादिक से ज़बरदस्ती की हुज्जत कर रहे हैं। बहस ये थी कि 2 चौक 8 होते हैं या 9। सादिक कहता था 2 चौक 8 और ये कहते थे 2 चौक 9। पहले तो ज़ुबानी बहस होती रही। आखिर सादिक भागता हुआ घर में गया और अपनी पहाड़ों की किताब उठा लाया और कहा, देखिए 2 चौक 8 इसमें लिखे हैं।
उन्होंने कहा, गलत लिखा है। ये बताओ कि 2 चौक 8 किस तरह होते हैं? वो तरह तरह से उनको समझाने की कोशिश करता था, मगर बेचारा खुद ही नहीं जानता था कि 2 चौक 8 क्यों होते हैं। आखिर थक कर उसने कहा, आप बताइए कि 2 चौक 9 किस तरह हुए? उन्होंने कहा, दो दो चार जगह हो तो उसको 2 चौक कहते हैं, सही है ना? सादिक ने कहा, हाँ। उन्होंने कहा, अच्छा कंकरिया लाओ और दो दो करके 4 जगह रखो, 9 होंगे। सादिक कंकरिया लाया। अब जो कंकरिया इस तरह रखी गई तो 8 हुई, फिर क्या था? सादिक ने गुल मचा दिया कि मैंने चचा को हराया, और इसी तरह गुल मचाता हुआ घर में चला गया। मैंने कहा, अहसन तुम कुछ दीवाने हो गए हो कि इतने इतने बच्चों से भी बहसते हो, तुम्हारी कुछ आदत ही खराब हो गई है। अहसन ने कहा, वाह हजरत, अच्छी कदर की है, अच्छी कदर की मैंने बच्चे को सीधे रास्ते पर लगा दिया है। अब पहाड़ों में वो अटकने वाला नहीं, जहाँ कहीं रुका और कंकरिया समेट कर लाया। तुमको मालूम है कि बच्चों से उल्टी सीधी बहस करने से उनकी अकल में तेजी आती है। मैंने कहा, तो माशाल्लाह आप इल्मुल दिमाग के माहिर भी हैं। अहसन ने कहा, क्यों नहीं, कुछ हिम्मत है तो आओ इस इल्मुल दिमाग पर बहस हो जाए। मैंने कहा, माफ़ फरमाइए, मेरा दिमाग मुफ्त खाने को नहीं है। अहसन ने कहा, तो आप बहस करने को दिमाग खपाना कहते हैं? मियाँ, वही शख्स बहस करता है जिसके सर में कुछ भेजा होता है और दिल में हमला सहने की कुव्वत होती है। हमको देखो, जहाँ जाते हैं सारी महफिल के एतराज सुनते हैं, जवाब देते हैं, और दबने का नाम नहीं लेते। बज़ लोग बड़े फख्र से कहते हैं कि हम बड़े ईमानदार हैं। मैं कहता हूँ कि उनमें बेईमान बनने की हिम्मत ही नहीं, इसलिए ईमानदार बने बैठे हैं। मैंने कहा, तो आपके नज़दीक ईमानदारी कोई चीज़ ही नहीं? अहसन ने कहा कि ईमानदारी दरअसल असमत बीवी अजबे चादरी है। मैंने कहा, मुआफ़ फरमाइए, मैं इस मौजू पर आपसे बहस करना नहीं चाहता। फरमाने लगे, तो अच्छा 2 चौक 8 ही पर बहस रही,
मैं दो चौक तो कहता हूँ, मैं भी देखूँ कि आप किस तरह दो चौक आठ साबित करते हैं। इतने में जुल्फिकार घर से निकल आया और मेरा पीछा इन हजरत से छूटा। इनकी गुफ्तगू का अगर कुछ लुत्फ़ उठाना है तो उस वक्त पहुंच जाओ जब ये अपने दो खास उल खास दोस्तों जाहिद और आबिद के साथ बैठे बातें कर रहे हों। जाहिद खुद अमीर है और अच्छी चीज़ों का आशिक। उसका घर क्या है? खासा एक अजायब खाना है। जो चीज़ है आला दर्जे की, जो सामान है अव्वल दर्जे का। मियाँ अहसन का घर भी कुछ कबाड़ खाने से कम नहीं है। जो चीज़ है सड़ियल और जो सामान है बाबा आदम के वक्त का। नीलाम से सामान लाने का बड़ा शौक है, इसलिए सारा घर उससे भरा पड़ा है। जाहिद की तबीयत कुछ अजीब वाक़े हुई है। हर बात का इतनी जल्द असर लेता है कि बयान नहीं हो सकता। किसी ने कोई झूठी सच्ची खबर सुना दी और उसने यकीन कर लिया। अगर वो खबर तबीयत के मुआफिक हुई तो खुश हो गए, और अगर मुआफिक ना हुई तो पुरमुर्दा हो गए, दिल बैठ गया। बहरहाल मियाँ जाहिद, काजी जी दुबले क्यों हो? शहर का अंदेशा बने हुए हैं। खुशकिस्मती से उनको मियाँ अहसन जैसा दोस्त मिल गया है जो थोड़ी ही देर में उनका गम खो देता है। जहाँ किसी बुरी खबर से मियाँ जाहिद के दिल पर धचका पड़ा और ये अपने दोस्त मियाँ आबिद को ले अहसन के घर पहुँचे। वो खबर अहसन को भी सुनाई। पहले तो उन्होंने हुज्जत करके इस खबर को गलत साबित करने की कोशिश की। अगर उसमें कामयाबी नहीं हुई तो किसी ऐसी चीज़ का जिक्र छेड़ दिया जो ये पिछले बराज से खरीद कर लाए थे। अब ये है कि उस चीज़ के मुतालिक बहस है, और बहस भी ऐसी कि बस दम उलट जाए। बहस का नतीजा कुछ ना निकला, मगर मियाँ जाहिद के दिल से उस खबर के असरात महू हो गए। मेरा तो ये ख्याल है कि अगर मिस्टर अहसन ना हो तो मियाँ जाहिद थोड़े ही दिनों में अल्लाह को प्यारे हो जाएं। जैसे अल्लाह मियाँ ने हर मर्ज़ की दवा पैदा की है, उसी तरह मियाँ जाहिद के गम दुनिया की दवा मिस्टर अहसन को बनाया है। हाँ, ये पूछना तो रह ही गया कि इतना कुछ पढ़ने के बाद आप ये भी समझे या नहीं
यारबाश की तारीफ क्या है? मैं तो यही कहूँगा कि इस लफ्ज़ की तारीफ हो ही नहीं सकती। अगर आप कर सकते हैं तो कीजिए। खैर, मैं तो कुछ नहीं कहूँगा। हाँ, मिस्टर अहसन को आपके मुकाबले में ले आऊँगा और फिर देखूँगा कि जो तारीफ आपने इस लफ्ज़ की है उसको आप साबित कर भी सकते हैं या नहीं। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।